हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं GDS का 7 डिमांड्स क्या है, जिसके वजह से ये इंडिफिनिट स्ट्राइक होने का संभावना हो रहा है, जो कि अगर यह 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा बहुत जगह। तो इंडिफिनिट स्ट्राइक होने का मतलब है कि डिमांड्स पूरा नहीं हो रहा है, बहुत दिन से ये स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है, तो फाइनली देखते हैं क्या क्या रिप्लाई आया है, जो 7 डिमांड्स था GDS का, और उसका रिप्लाई क्या दिए हैं डिपार्टमेंट। हम पॉइंट वाइज रिप्लाई देख लेते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। पहला डिमांड है, ग्रांट 8 आवर वर्क एंड ऑल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पेंशन। उसका रिप्लाई देखिए क्या आया था। द मैटर इज सब ज्यूडाइस इन व्यू ऑफ WP नंबर 13/23/2021 फाइल्ड बाय नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय एंड अदर्स बिफोर ऑनरेबल कोर्ट, दिल्ली कोर्ट। ठीक है, दिल्ली कोर्ट में ये केस फाइल किए थे कि GDS को 8 घंटा का ड्यूटी नहीं दिया जा रहा है या ना ही पेंशन दिया। तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट का जो रिप्लाई आएगा उस पे डिपेंड करता है। ये कहने का मतलब है कि 8 घंटा का ड्यूटी होना चाहिए। 8 घंटा का ड्यूटी होगा तो सैलरी भी बढ़ेगा, और GDS को पेंशन नहीं दिया जा रहा है, और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय को पेंशन दिया जाता है। तो GDS को भी पेंशन हो और 8 घंटा की ड्यूटी हो, इसके लिए ये फाइट चल रहा है। ठीक है, और ये डिमांड है जो कि पूरा नहीं हो रहा है। सेकंड, इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव रिकमेंडेशन ऑफ द कमलेश चंद्र कमेटी, इंक्लूडिंग रेशनल फिक्सेशन ऑफ TRCA टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016 अकिन टू रेगुलर एम्प्लॉयज वेटेज इंक्रीमेंट्स फॉर सीनियर बाउंसिंग टाइम बाउंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑन कंप्लीशन ऑफ 12, 24 एंड 36 ईयर ऑफ सर्विस। रिप्लाई में देखिए क्या आया। द इशू ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इज अंडर एग्जामिनेशन एंड हैज रिसीव द कंक्रेंस ऑफ IFW, द GDS यूनियन वेयर अप्रेज्ड ऑफ द प्रोग्रेस ड्यूरिंग द मीटिंग हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023 ऑल्सो। कहने का मतलब है कि कमलेश चंद्र कमेटी के अकॉर्डिंगली 12, 24, 36 के हिसाब से फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता, मतलब सैलरी बढ़ता है। ठीक है, जो कोई GDS 12 साल जॉब कर लिया है या 24 साल जॉब कर लिया या 36 साल जॉब कर लिया है, तो ये तीनों कैटेगरी में जॉब हो चुका है, तो उनका अलग अलग लेवल से फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो रहा है। नॉर्मल नॉर्मल GDS से अलग, जो 2 साल 3 साल जॉब किया है उसको भी उतना ही सैलरी दिया जा रहा है, जो 24 साल 12 साल जॉब कर लिया तो उनको भी उतना ही सैलरी दिया जाता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होना चाहिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 इयर्स, 24 इयर्स एंड 36 इयर्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो रिप्लाई आया है कि बोल रहा है कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का केस जो है अंडर प्रोसेस है। अभी BPF का एक मीटिंग हुआ था, उसमें बताया गया कि 12, 24, 36 का ये सब चीज़ प्रोसेस ये हो गया है, फाइनल हो गया है, बस फाइनेंस मिनिस्टर का साइन बाकी है। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन, वो दोनों साइन कर दिए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर का साइन बाकी है, वो अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में ही, सेकंड ए में है, सेकंड ए पॉइंट में इन्हांसमेंट ऑफ द ग्रुप इंश्योरेंस कवरेज अप टू 5 लाख। देखिए, 5 लाख रुपया का ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, जो 5 लाख रुपया का ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। रिप्लाई में क्या आया था, प्रपोजल इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन इन कंसल्टेशन विद द डायरेक्टरेट ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। मतलब 5 लाख रुपया का इंश्योरेंस होना चाहिए, अभी शायद 1.5 लाख रुपया का है। ठीक है, तो वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टरेट पे डिपेंड करता है, तो अभी 5 लाख रुपया। उसके बाद 2B में है, इन्हेंसमेंट ऑफ GDS ग्रेचुटी इंपेरेटिव विद डिपार्टमेंटल स्टाफ। रिप्लाई में आया, द मैटर इज सब ज्यूडाइस इन व्यू ऑफ WP नंबर 13/23/2021 सेम केस है, फाइल्ड बाय द नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज एंड अदर बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली। सेम जो ग्रांट ऑफ 8 आवर्स वाला था उसी तरह ये भी है, इन्हांसमेंट ऑफ GDS ग्रेचुटी, मतलब जब डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर करते हैं तो उनको ग्रेचुटी अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो GDS को नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए बोल रहा है कि डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के साथ साथ GDS को भी दिया जाए। तो यह भी इसका कोर्ट केस चल रहा है, तो दिल्ली हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आएगा तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अभी कोर्ट पेंडिंग
कोर्ट केस है ये जो कि पेंडिंग है, इसमें अभी कुछ बोला नहीं जा रहा है। तो ये सब डिमांड है जेडीएस का जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ, 2021 में ही कोर्ट केस हुआ था। उसके बाद 2C में, सी पॉइंट में, कैरी फॉरवर्ड एंड इनकैशमेंट ऑफ पेड लीव अप टू 180 डेज, मतलब बोल रहा है कि 180 दिन का पेड लीव मिलना चाहिए। ठीक है, तो रिप्लाई में देखिए क्या आया है। प्रपोजल ऑफ पेड लीव कैरिड फॉरवर्ड अप टू 180 डेज एंड इनकैशमेंट ऑफ पेड लीव वॉज प्रपोज इन द डिपार्टमेंट एंड फॉरवर्डेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हाउएवर दिस वॉज नॉट अप्रूव्ड बाई फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब बोला है कि 180 डेज का जो पेड लीव होता है उसके लिए डिपार्टमेंट में जो अप्रूवल मिल चुका था, बट वो फाइल जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास गया तो वहाँ से अप्रूवल नहीं मिला। ठीक है, ये भी एक डिमांड है। उसके बाद 2D में है, मतलब डी पॉइंट में, दो का ही डी पॉइंट में, प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज टू जीडीएस एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। देखिए, जीडीएस को ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी दिया जा रहा है, ना ही उनके फैमिली को। अदर मिनिस्ट्री में जैसे रेलवे सब में है, एम्प्लॉय को भी दिया जा रहा है, उनके फैमिली को भी दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जीडीएस को नहीं दिया जा रहा है। तो रिप्लाई देखिए, रिप्लाई में क्या आया है। द डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ बेनिफिट टू ग्रामीण डाक सेवक अंडर PMJAY स्कीम आयुष्मान भारत। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA हैज साउट सम डिटेल्स इंक्वायरीज फॉर मेटेरियलाइजिंग द स्कीम फॉर GDS विच हैव बीन फर्निश टू दैम। फर्दर रिस्पॉन्स ऑफ द NHA इज अवेटेड, द GDS यूनियन वेयर अप्रेज्ड ऑफ। कहने का मतलब है कि GDS स्टाफ को मेडिकल फैसिलिटी वगैरह सब कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो रिप्लाई में आया कि ये पूरा चीज़ अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ कंसल्टेशन हुआ है, बातचीत हुआ है, तो ये सब चीज़ अभी देखा, जांच पड़ताल सब चल रहा है, अभी इसका कोई कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट में देखिए, थर्ड पॉइंट में इंक्रीज GDS एंड डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूशन टू SDPS सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम फ्रॉम 3% टू 10% वेर एवर एप्लीकेबल एंड ग्रांट एडहॉक पेंशन टू ऑल रिटायर्ड GDS। मतलब बोल रहा है कि GDS को पेंशन दिया जाए और SDPS में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है अभी 3% सैलरी का, उसको बढ़ा करके 10% करिए। तभी जो BPEF का मीटिंग हुआ था डायरेक्टर जनरल से, तो 8 तारीख, तो उसमें बताया गया, उसमें अप्रूवल दिया गया कि 3% से बढ़ा करके 10% SDPS में कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो अप्रूव मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे जो रिप्लाई आया था, द प्रपोजल टू इंक्रीज GDS एंड डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूशन टू SDPS फ्रॉम 3% टू 10% इज अंडर एग्जामिनेशन एट प्रेजेंट, अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 300 पर मंथ इज मेड ऑन बोथ साइड। मतलब कहने का मतलब है कि अभी 300 रुपया तो SDPS में कंट्रीब्यूशन होता है, GDS के अकाउंट से भी कटता है सैलरी से, एंड डिपार्टमेंट भी देते हैं, मतलब 600 रुपया जमा हो रहा है। लेकिन अभी अभी जो है 10% सैलरी का, कहने का मतलब है जो BPM है उसका 1200 रुपया और जो ABPM है उसका 1000 रुपया लगेगा। तो 1000 रुपया कटेगा उधर GDS के सैलरी से, एंड गवर्नमेंट भी 1000 देंगे, यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन ABPM डाक सेवक के लिए 2000 जमा होगा SDPS में, और GDS BPM के लिए 2400 रुपया जमा होगा। 100 रुपया, मतलब 10% डिपार्टमेंट देंगे, 10% GDS के सैलरी से कटेगा। तो ये चीज़ प्रपोजल अभी मिल चुका है, और यहाँ पे बोल रहे हैं अंडर एग्जामिनेशन चल रहा है, चेकिंग चल रहा है, तो वो चीज़ का होगा, लेकिन BPF के मीटिंग में अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, और चौथा जो डिमांड है, एबोलिश ऑल इंसेंटिव स्कीम या सिस्टम एंड इंक्लूड ऑल वर्क डन बाय GDS सच एज IPV, PLI, RPLS सेविंग स्कीम एंड मनरेगा इन देयर वर्कलोड असेसमेंट। अभी देखिए, RPLI, PLI ये सब चीज़ को इंसेंटिव बेसिस पे, IPV को इंसेंटिव बेसिस पे काम चला रहे हैं, मतलब पैसा दिया जा रहा है, इंसेंटिव दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है, तो उसको बोल रहा है कि आप काम में इंक्लूड कर दीजिए, जो ड्यूटी है उसमें इंक्लूड कीजिए। तो उनका रिप्लाई क्या आया डिपार्टमेंट से, द इंसेंटिव फॉर वेरियस एक्टिविटीज आर बीइंग गिवन टू GDS सिंस लॉन्ग एंड लिंकिंग द सेम विद वर्कलोड वुड लीड टू डिफरेंट ऑपरेशनल एंड स्ट्रक्चरल इशू, देयरफॉर इट वुड बी नॉट बी फिजिबल टू इंक्लूड सच एक्टिविटीज इन द वर्कलोड एट प्रेजेंट। हाउएवर डिपार्टमेंट वुड कंसिडर द इशू वाइल रिव्यूइंग द सर्विस कंडीशन एट द अप्रोप्रिएट टाइम।
मतलब डिपार्टमेंट इसके बारे में सोचेंगे। और ये जो इंसेंटिव वर्क है, PLI, RPLI, ये सब का लंबे समय से चलता आ रहा है, और इसको वर्कलोड में इंक्लूड करने के लिए इसको बहुत टाइम लगेगा और बहुत खर्चीला होगा। इस चीज़ के बारे में डिपार्टमेंट डिसाइड करेंगे, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो डिपार्टमेंट की ये रिप्लाई है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, इसलिए तो डिमांड में है। पांचवा है डिमांड, इंड ऑल डिस्क्रिमिनेशन इन ग्रांटिंग एनुअल इंक्रीमेंट एंड TRCA बेस्ड ऑन वर्कलोड सच एज TRCA Level 2 टू न्यू रिक्रूट इम्प्लॉयड फॉर 5 आवर्स वर्क अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्कलोड या वर्क, इंश्योर यूनिफॉर्मिलिटी इन ड्रॉइंग एनुअल इंक्रीमेंट फॉर GDS एंड रेगुलर स्टाफ। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी नया नया GDS अभी ज्वाइन करके आते हैं उनको Level 1 में रखा जाता है, जिसका वर्किंग आवर 4 घंटा रहता है। तो डिमांड GDS यूनियन की तरफ से डिमांड है कि जो भी नया नया GDS ज्वाइन करके जाएंगे उनको Level 2 में रखा जाए, ठीक है, और इक्वल काम के लिए इक्वल सैलरी दिया जाए। तो उनका रिप्लाई आया है, कमलेश चंद्र कमिटी वाइड पैरा 10.31 हैड रिकमेंडेड दैट द न्यू इंट्रेंट्स इन द GDS विल बी लेवल 1 विद 4 आवर्स ड्यूटी एंड देयर फर्दर एलिवेशन टू Level 2 विल बी ऑन द अचीवमेंट ऑफ न्यू रिवेन्यू नॉर्म्स। अकॉर्डिंगली द मैटर वॉज लुक्ड इन टू एंड द डिपार्टमेंट हैज क्लरिफाइड द मैटर वाइट मेमो नंबर 25/6/2018। ये 2018 में ही ये सब चीज़ को डिस्क्राइब कर दिए थे डिपार्टमेंट, और बोला गया है कि कमलेश चंद्र कमेटी के अकॉर्डिंगली जो भी नया GDS ज्वाइन करके आएंगे उसको Level 1 में ही रखा जाएगा, जिसका वर्किंग आवर 4 घंटा रहेगा, उसको Level 2 नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो कि GDS का डिमांड है। अगर वर्किंग आवर बढ़ जाए तो ठीक रहेगा। अभी GDS, अभी BPF का जो मीटिंग हुआ था डायरेक्टर जनरल के पास, तो उनमें बताया गया कि हाईएस्ट वर्किंग आवर 6 आवर होना चाहिए, हो जाए, हो गया है 5 आवर्स की जगह। तो कुछ चेंजेस हुआ है अभी जो मीटिंग हुआ था 8 दिसंबर को, ठीक है। और छठा नंबर का जो डिमांड है, सीज ऑल फॉर्म्स ऑफ हेरासमेंट फेस्ड बाय द GDS इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस टारगेट्स एंड कंपेलिंग देम टू यूज देयर ऑन मोबाइल डिवाइस अगेंस्ट देयर विलिंगनेस और कैपेसिटी टू फॉलो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम। कहने का मतलब है कि जो भी बिजनेस के नाम पे टारगेट्स दिया जा रहा है GDS को, कहने का मतलब RPLI करो, अकाउंट खोलो वगैरह वगैरह ढेर सारे, तो ये सब चीज़ नहीं किया जाए, ठीक है, उनको हरास नहीं किया जाए। और जो भी GDS फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चला रहा उनको फोर्सफुली नहीं बोला जाए कि फॉलो करें इस चीज़ को, ठीक है, और अपने डिवाइस से फॉलो, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो कहाँ से लाएगा। तो ये भी एक तरह से डिमांड है कि ये सब चीज़ नहीं किया जाए GDS के साथ। लेकिन आजकल सब वो सोशल मीडिया से लिंकेज है, तो ये उतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं है, फिर भी देखिए। उसके बाद देखिए डिपार्टमेंट का रिप्लाई क्या आया, डिपार्टमेंट वाइल रिव्यूइंग द रिवेन्यू टारगेट्स इन मीटिंग हेल्ड विद हेड ऑफ सर्कल ऑन 21/2/2023 थ्रू वाइड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चेयर्ड बाय DGPS हैड स्पेसिफिकली इशूड डायरेक्शन टू द सर्किल्स अगेंस्ट अप्लाइंग अंडर प्रेशर ऑन GDS एंड अदर स्टाफ फॉर मीटिंग ए टारगेट्स। द सेक्रेटरी हैज ऑल्सो टाइम एंड अगेन अपील टू द वेरियस फील्ड फॉर्मेशन फॉर बींग सेंसिटिव टू द कॉज ऑफ GDS। एज फार एज सोशल मीडिया इज कंसर्न द डिपार्टमेंट हैज क्राफ्टेड सोशल मीडिया कोर्स फॉर ऑल पोस्टल इम्प्लॉयज टू मेक दैम मोर अवेयर एंड इन्फॉर्म अबाउट वेरियस न्यू डेवलपमेंट हैपनिंग एट वेरियस लेवल ऑफ डिपार्टमेंट रिजल्टिंग इन बेटर द प्रोग्रेस। तो कहने का मतलब है कि देखिए जितना भी डायरेक्टर जनरल मीटिंग किए थे पूरा हेड ऑफ सर्कल के साथ, ठीक है, 21 फरवरी 2023 को, कि जो भी GDS को हेरास किया जा रहा है टारगेट्स के नाम पे सब नहीं किया जाए, और जो भी सोशल मीडिया एक्टिवनेस है, सोशल मीडिया का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए सोशल मीडिया कोर्स बनाया गया है, ताकि सबको समझ आ सके सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना है, ये करना है, ठीक है। तो टारगेट्स नहीं दिया, मतलब टारगेट्स के नाम पे किसी GDS को हरासमेंट नहीं किया जाए, ये पहले इंस्ट्रक्शन मिल गया। तो ये भी उतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं है, बट मेन जो स्ट्रॉन्ग केस है सैलरी बढ़ाना और ड्यूटी आवर बढ़ाना और पेंशन देना, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज देना,
ये सब चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये सब चीज़ होना चाहिए। और सातवां पॉइंट आपको बता रहे हैं, लैपटॉप प्रिंटर एंड ब्रॉडबैंड नेटवर्क एक्सेस टू ऑल ब्रांच ऑफिसेस टू इनहांस एंड एक्सपेडाइट सर्विस। कहने का मतलब है कि ब्रांच ऑफिस में जो भी बीपीएम वगैरह सब काम करते हैं, बीपीएम, उनको लैपटॉप ये सब दिया जाए, लैपटॉप दिया जाए, प्रिंटर वगैरह सब दिया जाए, ब्रॉडबैंड यानी वाईफाई का सिस्टम दिया जाए। तो रिप्लाई में आया, अंडर IT 2.0 मतलब IT मॉडर्नाइजेशन 2.0 मोबाइल डिवाइस हैव बीन सप्लाई टू अप्रोक्स 1.4 लाख वीओज बाई फी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। कनेक्टिविटी टू ऑल वीओज इज प्रोवाइडेड बाय मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी वाइड सिम सप्लाइड अलॉन्ग विद मोबाइल डिवाइस। कनेक्ट मतलब IT मॉडर्नाइजेशन के थ्रू 1.4 लाख के आसपास अक्टूबर में सारे GDS को मोबाइल दिया गया है FEB के थ्रू। तो वो चीज़ है, मतलब जो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस नहीं है, मतलब जब ग्रामीण एरिया में काम करेंगे तो वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, सर्वर का प्रॉब्लम होता है, तो डिवाइस भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छा अच्छा डिवाइस होना चाहिए, हाई पावरफुल, ठीक है, अच्छा सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ नहीं मिलता था पहले, अभी लेकिन अक्टूबर 2023 में नया डिवाइस दिया गया सैमसंग A14, तो इसमें अच्छा से काम हो रहा है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, बट अगर लैपटॉप कंप्यूटर मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग अब थोड़ा सा मॉडर्न हो गए तो इस तरह से काम होगा, ठीक है। फिर भी नहीं मिला तो उस डिवाइस में काम हो रहा है, तो ये भी उतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था, इसका भी सोल्यूशन मिल ही गया। जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पेंशन देना, सैलरी बढ़ाना, ड्यूटी आवर बढ़ाना, मेडिकल फैसिलिटीज देना, ठीक है, तो ये सब चीज़ है, तो और क्या रहेगा। तो आप लोग अगर तो आप लोग GDS इंडिफिनिट स्ट्राइक में शामिल होना चाहते हैं, शामिल होइए, ये सब चीज़ की डिमांड कीजिए, जितना डिमांड करेंगे उतना जल्दी फुलफिल होगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करके पूछिए, अगर कुछ भी इंक्वायरी है, मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है, ट्विटर पे भी आप जा कर के सपोर्ट कर सकते हैं इंडेफिनिट स्ट्राइक को, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में। बेटर होगा आप इंस्टाग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर लीजिए, उधर भी हम लाइव आते हैं, वहाँ पे भी बात हो सकता है। आजकल फेसबुक पर ज़्यादा लाइव आ रहे हैं, तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करके पूछिए। बाय।